वाला था, तब उस टाइम हम 15 वर्ष के थे और 9 में पढ़ रहे थे, तो हमको नहीं पता था कि मेरा शादी होने वाला है। जब अचानक से मेहमान घर में देखने आ गए तो पता चला कि मेरा रिश्ता लग रहा है, फिर भी हम बोले कि हम शादी नहीं करेंगे, पर मेरा मम्मी पापा भैया ये सब डांट रहे थे कि होगा शादी, जो बड़े लोग कहेगा वही होगा, पर हमसे अगर आप लोग शादी करवा देंगे तो हम आप लोग को ज्वेल भेज देंगे, तो बोला कि जो होगा देखा जाएगा। फिर हमारे गांव में आते थे तो भैया बताते थे कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए, बाल विवाह करने से बहुत सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ती है, तो हम फिर भैया के बताएं भैया मेरा शादी होने वाला है, तो बोला कि तुम SDM साहब को अप्लीकेशन दो। फिर हमने SDM भैया के मदद से SDM साहब को अप्लीकेशन लिखे, SDM सर मम्मी पापा को बुला के समझाए, फिर मम्मी पापा घर आके बहुत हमको डांटे कि तुम ऐसा क्यों किए, तो हम बोले अगर दोबारा आप लोग करेंगे तो हम आप लोग को जेल भेज देंगे। तो फिर 2 अक्टूबर 2017 को पटना में हमको बुलाया गया अवार्ड लेने के लिए, तो मेरे बड़ा भैया बोले कि नहीं जाएगी, अगर जाएगी तो तुम्हारा पैर हाथ तोड़ देंगे, फिर भी हम ज़बरदस्ती किए क्योंकि मेरा एक भाई सपोर्ट कर देते, मेरा 7 भाई और 2 बहन है और हम लोग निम्न परिवार से बिलोंग करते हैं, बहुत गरीब है हम लोग, तो एक भैया सपोर्ट करते कि जाएगा, एक बोल रहा था कि नहीं जाएगा, फिर भी ज़बरदस्ती भैया लेके आए, फिर अवार्ड मिला, फिर हम घर गए तो पूरा गाँव में चर्चा होने लगा कि हरदिया सेंटर ये सरस्वती कुमारी अवार्ड लेके आए, मीडिया वाला पहुँचने लगा, तो भैया का फिर हम पे गर्व हुआ, तो फिर भैया बोले कि अब हम तुम्हारा शादी नहीं करें, जब तक तुम नौकरी नहीं करेगी तब तक शादी नहीं करेंगे, और भैया भी मेरा बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आगे, क्या इरादा है आगे, हमको दरोगा बनना है, ये तो उनकी तरफ आप उनको क्या कहना चाहेंगे? हम उनको तो क्या कहना चाहेंगे, गाँव वालों को पता रहता है, पर सब चाहते हैं कि शादी कर दो, 15 वर्ष 16 वर्ष में ही शादी कर देना चाहते हैं, कहीं को वहाँ पे पहली बात तो गरीबी के कारण है, उसका दूसरी बात कि स्कूल नहीं है, हमारे गांव में सिर्फ एक खदान है उसी से सबका पालन पोषण होता है, कुछ दिन तो हमारे गांव में खदान भी बंद हो गया, तो अभी सबका बहुत स्थिति खराब है, हम लोग का पढ़ाई तक का दिक्कत आ गया था, पर देखते हैं आगे क्या होता है, और गाँव वाला समझने लगे थोड़ा थोड़ा, बाल विवाह बहुत कम हो गए हमारे गाँव में, तो पहले बहुत बाल विवाह होता था, इतना कि कह नहीं सकते, अब अभी बहुत कम है, बाल मजदूरी भी बहुत कम है। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? सरस्वती कुमार। कहाँ से? हरदिया सेक्टर ए रजौली नवादा बिहार।